A computer can do many things. Look at this. What do they do? A computer can do all this and even more. It can help us do sums like a calculator. It can show us movie and cartoon like a TV. It can play music like a music player. It can also help us play game, draw picture and so on. दैट मीन कंप्यूटर जो है ये सारे वर्क कर सकता है, या कैलकुलेटर की तरह सम्स को सॉल्व कर सकता है, या कार्टून और मूवी दिखा सकता है टीवी की तरह, दैट मीन देखा जा सकता है. इट कैन प्ले या म्यूजिक प्लेयर की तरह म्यूजिक प्ले कर सकता है. इसमें हम गेम खेल सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे चीज़ हम कंप्यूटर से कर सकते हैं. अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन डू मैनी थिंग. कंप्यूटर जो है वह एक प्रकार का मशीन है जिसमें कि हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं. अ कंप्यूटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अस. कंप्यूटर जो है वह ह्यूमन बींग यानी हमसे डिफरेंट होता है. जैसे देखिए, देयर आर मैनी थिंग दैट अ कंप्यूटर कैन डू बेटर देन अस. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कंपेयर में कंप्यूटर बहुत अच्छे से कर सकता है. जैसे अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, वी आर स्लोअर. कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट वर्क करता है हमारे कंपेयर में. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, वी कैन मेक मिस्टेक. कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता लेकिन हमसे मिस्टेक हो जाती है. अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड लाइक अस. कंप्यूटर हमारी तरह थकता नहीं है. अ कंप्यूटर कैन रिमेंबर मेनी थिंग, इट नेवर फॉरगेट्स. कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वह भूलता नहीं है हमारी तरह. वी आर बेटर देन कंप्यूटर इन मेनी वेज. बहुत सारे चीज़ों में हम अच्छे होते हैं कंप्यूटर के कंपेयर में. जैसे वी कैन थिंक ऑफ न्यू थिंग्स सच एज अ न्यू स्टोरी. अ कंप्यूटर कैन नॉट, दैट मीन हम जो है बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, थिंक मतलब सोच सकते हैं, जैसे स्टोरी वगैरह, लेकिन एज कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता. वी कैन लर्न थिंग्स ओवर सेल. फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न दैट आइस इज कोल्ड बाई टचिंग इट. अ कंप्यूटर कैन नॉट डू दिस. हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. जैसे आइसक्रीम को टच करेंगे तो हमें पता चलता है कि यह ठंडा है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता. वी कैन डिसाइड व्हाट टू डू लाइक वेदर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर इन अ वर्ड सम. अ कंप्यूटर कैन नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओवन. दैट मीन वी कैन डिसाइड व्हाट. हम डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. दैट मीन जैसे कि ऐड सब्ट्रैक्ट नंबर, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता. न्यू वर्ड एंड टर्म्स. देखिए मशीन क्या होता है. समथिंग वी मेक टू डू अवर वर्क ईजली एंड फास्ट. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वर्क को ईजली और फास्ट कर देती हैं, उसे मशीन कहा जाता है. टच स्क्रीन. अ स्क्रीन ऑन विच वी कैन सेलेक्ट टाइप इट इज यूजिंग अवर फिंगर. टच स्क्रीन एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसमें हम अपने फिंगर के द्वारा टच करके वर्क करते हैं. स्मार्टफोन. अ मोबाइल फ़ोन दैट कैन वर्क लाइक अ कंप्यूटर. स्मार्टफोन यह एक मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें हम कंप्यूटर की तरह वर्क कर सकते हैं. And a desktop computer is a large computer that cannot be carried around. देखिए a desktop computer जो होता है यह क्या होता है, बड़ा computer होता है जिसे हम कहीं भी easily carry नहीं कर सकते. Laptop and tablet are smaller computer, they can be carried around easily. Laptop और tablet यह छोटे computer होते हैं, इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी carry कर सकते हैं. A computer is different from us, it work faster than us. It does not make mistakes or get tired. It can remember many things. That mean a computer is different. हमसे computer different होता है. यह बहुत fast work करता है. और क्या करता है, It does not make, इसमें mistake नहीं होती, यह थकता नहीं है. इसमें एक साथ कई work किए जा सकते हैं. A computer cannot think of new thing or learn. It cannot decide on its own. कंप्यूटर कैन नॉट थिंक. कंप्यूटर अपने से सोचता नहीं है नई चीज़ों को. यह इट कैन नॉट डिसाइड, यह कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता. हम इसे जो कमांड देंगे वहीं यह फॉलो करेगा. देखिए अब एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्या है, मैच. पहला जो है मैच कराना है. ए फर्स्ट ए में मैच कराना है.
कैन नॉट बी कैरीड अराउंड। ये जो चारों फिगर है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कहीं भी इजली कैरी नहीं किया जा सकता? तो कैन नॉट बी कैरीड अराउंड डेस्कटॉप, सी से। फर्स्ट को सी से मैच करा दीजिए। एंड सेकेंड, कैन बी यूज वाइल होल्डिंग इन द हैंड, कैन बी यूज वाइल होल्डिंग इट इन द हैंड। मतलब हम इसको अपने मतलब उंगली से नियंत्रित करते हैं, तो ए, सेकेंड को ए से मैच करा दीजिए। एंड थर्ड, कीबोर्ड एंड मॉनिटर बिल्ट इन, जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर बना होता है, इसे थर्ड का बी से मैच करा दीजिए। बी, टिक राइट व्हाट इज ट्रू फॉर अ कंप्यूटर, इसमें से उसी को टिक करना है जो कंप्यूटर के लिए सही होता है। तो फर्स्ट, नेवर फॉरगेट थिंग्स, सही है, ये कंप्यूटर कर सकता है, फर्स्ट वाला सही है। सेकेंड, कैन वर्क ऑन इट्स ओवन, नो, मतलब इसे कुछ मत करिएगा। थर्ड, कैन वर्क वेरी फास्ट, ये कंप्यूटर कर सकता है, इसे सही करिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। फोर, डज नॉट गेट टायर्ड, ये भी सही होगा, ये भी कंप्यूटर कर सकता है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। कैन डू मेनी थिंग, फिफ्थ वाला भी सही होगा, कंप्यूटर में एक साथ कई वर्क किए जा सकते हैं, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। डज नॉट मेक मिस्टेक, ये भी सही होगा। कैन थिंक ऑफ न्यू थिंग्स, नो, सेवन्थ वाला नहीं सही होगा। कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, यस। ओनली सेकेंड और सेवन, टू और सेवन नहीं सही होगा, बाकी सब सही होगा। एंड सी, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को चूज करिए। पिक द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, इसमें से स्मॉलेस्ट कंप्यूटर को टिक करिए, तो टैबलेट जो है वह स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है, बी वाले को सही कर दीजिएगा। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी कैरीड अराउंड, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी कैरीड अराउंड, दैट मीन विच ऑफ दीज, इसमें से कौन सा है जिसे हम कहीं भी कैरी नहीं कर सकते? तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी सी वाले पर टिक कर दीजिए, क्योंकि इसे हम कहीं भी इजली कैरी नहीं कर सकते। एंड थर्ड, विच ऑफ दीज कैन रन ऑन बैटरी, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो बैटरी पर चलता है? तो टैबलेट, लैपटॉप, दोनों बैटरी पर चलता है, तो सी वाले पर टिक करिएगा, सी वाला सही है। फोर्थ, विच ऑफ दिस डज नॉट हैव अ कीबोर्ड, इसमें से कौन सा है जिसमें कीबोर्ड नहीं होता है? तो लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, टैबलेट में कीबोर्ड नहीं होता है, तो बी वाले पे टिक कर दीजिएगा। अ कंप्यूटर डज नॉट वर्क फास्ट, लर्न न्यू थिंग, डू सम्स, इसमें से कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? वर्क फास्ट, लर्न न्यू थिंग्स नहीं कर सकता कंप्यूटर, तो बी वाले पर टिक कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोग इसको करके और मुझे सारा एक्सरसाइज ए, बी एंड सी का सेंड करिए, तो क्वेश्चन आंसर मैं कल कराऊंगी।